हेलो। हाँ देखिए, मैं अपने कंपोजिशन के डेमो का दूसरा शुरू करने चल रहा हूँ और मैं अब इसमें रंग डालूँगा। रंग कैसे डालना है ये आप देखेंगे कि एक रंग को मैं कैसे डालता हूँ। कहाँ मैं बालों के रंग को ले रहा हूँ। इसमें हमें सावधानी बरतनी है। हाँ पीछे मेरे रखो, ठीक ठीक ठीक। इसमें ध्यान ये रखना है कि जो आभूषण वगैरह बालों से ऊपर आए हैं उनको छोड़ना है, उन पर कलर बाल का नहीं चढ़ने देना है। हम चाहें तो एक साथ एक जैसा कलर बना करके भी भर सकते हैं, अथवा इसमें बहुत उसी कलर को उसके थोड़े गाढ़े हल्के शेड भी होंगे तो कोई बहुत फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कोशिश करना है कि काफ़ी गहरा रंग भरना है, काफ़ी गाढ़ा रंग लगाना है, जिससे वॉश करने के बाद कलर्स की जो स्ट्रेंथ है वो बनी रहे। विशेष ध्यान ये रखना है हमें।
दूसरी इमेज जो ग्लास में बनेगी उसको थोड़ा हल्का कलर देंगे, अभी से देते चलेंगे, उस पर काम करेंगे, क्योंकि उस समय फिर इसको नए सिरे से अलग से रखने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा हल्का इमेज डालेंगे और पूरा नहीं देखिए, जहाँ तहाँ इसको हल्का सा, कि जरूरी नहीं कि आपको पूरा दिखाई दे दृश्य, ये जब आप इसे उस समय कर रहे होंगे तो ज़रूरी नहीं है कि आपको पूरा स्पष्ट दिखाई दे ग्लास में, इसलिए इसे टूटता हुआ जगह जगह से उसका एक इफेक्ट ले आ सकते हैं। फिर स्टिल लाइफ आ जाएगा, स्टिल लाइफ को अवॉइड करेंगे, स्टिल लाइफ की चीज़ें इसके ऊपर से जाएंगी, माने वो पहले दिखाई देंगी, फिर बाल उसके भीतर होगा, अंदर होगा, क्योंकि स्टिल लाइफ की चीज़ें ग्लास में हैं और ग्लास में होने की वजह से वो बहुत साफ नज़र नहीं आएंगी। तो बाकी जगह पर आप डाल देंगे जिससे कि ग्लास के बाहर जो ये सारी चीज़ें हैं, बस वो ग्लास का एंड यहाँ हो रहा है तो यहीं पर आप इसे ब्रेक करेंगे, इससे आगे नहीं ले जाएंगे। जैसे बाल जहाँ निकल रहा है थोड़ा उसी इफेक्ट से निकालेंगे, बॉर्डर है इसका यहाँ पर।
अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं एक रंग इस पे लगाया हूँ और इसका इंतज़ार करूँगा इसके सूख जाने तक। तो हम अभी चाहें तो इसके फ्रेम में ये कलर डाल सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अभी डालने की ज़रूरत नहीं है बहुत, या कोशिश करके हम देख सकते हैं कि थोड़ा लाइट कलर का फ्रेम, चूँकि इसी से मेल खाता हुआ रहेगा। नहीं, उसका हम बैकग्राउंड में लेंगे, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। ये ले सकते हैं, चलिए हम लेते हैं, इसके फ्रेम का भी कलर ले लेते हैं। क्योंकि इसका फ्रेम भी इसी वर्ग से होगा, इसलिए उसे डालने में कोई बहुत बुराई नहीं है।
ये मैं बैकग्राउंड के कलर्स को ले रहा हूँ। अब ये देखिए, मैं इसके फ्रेम वाले एरिया को, चूँकि एसी वो रसायना से मेल खाता हुआ है, इस पर बहुत असर नहीं पड़ेगा, इसको मैं यहाँ ले रहा हूँ। और चाय मेरी ठंडी हो रही है। ध्यान ये रखना है कि सारे रंग जो आप लगा रहे हैं वो अच्छी तरह से सूखेंगे, और सूख जाने के बाद ही उनकी हम क्लीनिंग करेंगे, वाश करेंगे। और वाश भी अब जो करेंगे वो रनिंग वाटर में करेंगे, न कि ठहरे हुए वाटर में, और न ही बहुत तेज़ धार से। इसलिए हमें बहुत ही सावधानी रखनी है पूरे प्रोसेस में कि ये किस तरह से सूख जाए, फिर हमें इसको आगे बढ़ाना है। आप देख रहे हैं कि ये रंग धीरे धीरे सूखने लगे हैं। हालांकि इसके छोटे छोटे पार्ट हैं, उनको मैं चाहूँ तो दे सकता हूँ, लेकिन अभी उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये स्टिल लाइफ का जो पार्ट है वो ठीक से भरा जाना है।
हम इसको सूखने के लिए रखते हैं यहाँ। अरे संदीप से जरा अच्छे चलो बहुत अच्छे जैसा कि आप देख रहे हैं अब इसको मैं ले चल रहा हूँ थोड़ा आगे जहां से इसकी क्लीनिंग होगी वॉशिंग होगी।
इसी में डाल दो, डाल दो, मैं खींच लूँगा अभी। पनिया डाल दो भट्टी, बस बस बस। हम रनिंग वाटर ऐसे भी ले सकते हैं, और ये हमने ऐसे ही टब में पानी ले करके यहाँ रखा है, और अब आप देखेंगे कि इसको कैसे ही आगे फर्स्ट वाश करने जा रहे हैं। तो हम जो इसे फर्स्ट वाश करते हैं तो पता चलता है कि इसको, इस पर पानी हम गिराते हैं ऐसे, ऐसे पानी गिराएंगे लगातार, धीरे धीरे, बहुत जोर से नहीं, आराम से पानी गिराएंगे, और जहाँ जहाँ रंग लगा है सब जगह पानी गिराएंगे। तो जितना रंग निकलना होगा इसमें से निकल जाएगा, और अगर हम जरूरत महसूस करेंगे कि रंग कम हो गया है तो फिर से रंग इस पर लगाएंगे। अभी ये देख रहे हैं कि जितना रंग निकलना है जहाँ जहाँ से निकलता जा रहा है। कोई संकोच नहीं करना है, रंग जितना निकलता है निकाल देना है। अब हमने देखा कि तो जितना रंग था वो करीब करीब धुल गया है, इसका मतलब कि कागज़ की जो क्षमता थी, कागज़ की जो क्षमता थी जितना रंग वो ले सकता था वो ले लिया है। और अब आगे जब हम इसे सूख जाएगा तो फिर दूसरा कलर इस पर डालेंगे, और हाँ दिखा देगा। तो अब इसको हमें बहुत अलग तरह से सीधा नहीं करना है, ऐसे ही रखना है, ऐसे ही, जिससे कि पानी इसका निथर जाए। और इसको सीधा करके पलट के अगर रख देंगे तो पता चलेगा कि पानी तो नहीं निकला इसका, आ नहीं रहा है, अच्छा इससे आएगा, हाँ ऐसे आ गया है। चलिए, मेरा चेहरा नहीं दिखाई देगा, चित्र दिखाई दे रहा है आपको। तो ये पानी धीरे 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 बह जाएगा, और बहने के बाद ये पेपर सूख जाएगा, फिर इस पर हम दूसरा कलर लगाएंगे। और ये ध्यान रखेंगे कि ये कि कागज़ गीला ना रहे, नहीं तो फिर कलर बहना शुरू हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम हर रंग के साथ करेंगे, यहाँ तक कि जैसे बालों में अगर रंग कम हो गया है, कम लगा है, तो इसको हम फिर से लगाएंगे, दोबारा रिपीट भी करेंगे। तो रिपीट करने से क्या फ़ायदा होगा कि जहाँ जहाँ रंग नहीं पकड़ा है वहाँ पे और रंग ये पकड़ लेगा। तो इस प्रक्रिया को बार बार दोहराने से हमारा जो कंपोजिशन है वो रिच होता जाता है। तो हम लोग इस प्रोसेस में रहेंगे, अभी फ़िलहाल हम जैसी भी स्थिति में ये है इसको छोड़ते हैं, और देखते हैं कि आगे आगे इसे जो है फिर इस पे काम करेंगे इसे सूख जाने के बाद, तो फिर नए सिरे से बात करेंगे। तो कोई सवाल आपको पूछना हो इसमें, कोई बात करनी हो, तो आप हमसे इस पर सवाल पूछ सकते हैं, है ना। और ये प्रोसेस आपको तो पूरी पेंटिंग में करना ही पड़ेगा, इसके अलावा इसका और कोई विकल्प नहीं होता। इसका यही विकल्प होता है कि हम बार बार अलग अलग, जैसे कपड़ों को, इसको उसको हम रंग लगाएं,
और उसकी धुलाई करें, यही एक तरीका है। इस तरीके से हमारा जो काम है वो आगे बढ़ेगा। तो मैं समझ सकता हूँ कि आप अपना काम जो है, मैं काम में हूँ, अभी आपसे बात करता हूँ चौधरी। हाँ नमस्कार, मैं अभी आपसे बात करता हूँ उस वो हाँ। तो ये आपने देखा कि किस तरह से हमारा जो ये पूरा फंडा है, किस तरह से पूरा ये जो काम है वो किस तरह से आगे बढ़ेगा। तो आप जो है हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि पूरे प्रोसेस को सिस्टम से करें। अगर थोड़ी भी कहीं लापरवाही करेंगे तो आप ये समझिए कि आपका ये पूरा कंपोजिशन ख़राब हो जाएगा, और ख़राब हो जाएगा तो उसकी कोई ज़िम्मेदारी फिर और तरह से आप नहीं ले सकते। इसकी पूरी की पूरी जो ज़िम्मेदारी है वो आपके काम करने के प्रोसेस पर ही निर्भर करेगा। इसलिए आप हमेशा इस बात का तो ये जो इनकी इस पूरे प्रोग्राम की जो हमारी प्रोसेस चलती रहेगी, इसका थोड़ा टाइम लगेगा। हम कोशिश करेंगे कि आज एक बार और इसको करके आपको दिखाने की कोशिश करें। तो ठीक है, ओके, फिर बात करते हैं, फिर लंबा वीडियो हो गया।